वरकातु। आज शेखपेट के सैनिटेशन स्टाफ, स्वीपिंग के जो झाड़ू वाले जो रहते, पूरा हमारा स्टाफ जो है 190 मेंबर्स का है। पूरे एसएफएस के, एक एसएफए के अंडर 21 मेंबर्स का स्टाफ रहता, तो वो लोग का भी हक है राशन किट्स पर, क्योंकि वो लोग हमारी सफाई का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं पूरे शेखपेट डिवीज़न में, क्योंकि सफाई आधा ईमान है और आधी सफाई ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो लोग के लिए आज मैं राशन किट्स का सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज प्रोग्राम रखा हूँ, और उन सबको राशन किट्स तकसीम के लिए आज यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि वो लोग का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहता हमारी सेहत के उसमें और हमारी सफाई के लिए, क्योंकि ये लोग सुबह 5 बजे से काम करते हैं स्वीपिंग का, 11-12 बजे तक धूप में। तो ये लोग के लिए भी सदर मोहतरम ने कहा है कि ये लोग का भी हक है, तो सुबह में पहले ये लोग को आज इंशाल्लाह पूरे राशन किट्स तकसीम किया जा रहा है। ये 190 आज 200-210 दस्तक हो रहे हैं लोग पूरे हमारा जो स्टाफ जी सैनिटेशन स्टाफ है जीएचएमसी का और सेवरेज के है हमारे पास। ये आप अपनी तरफ से अपने खर्चे पे जी और सदर मोहतरम की हिदायत पे मैं मेरे से कर। आपका नाम क्या है? राशिद फराजुद्दीन, शेखपेट कारपेंटर जी, AIMIM। ऑलरेडी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1200 से 1400 की फैमिलीज तक राशन किट्स तकसीम किया हूँ सदर मोहतरम की हिदायत पे, और जितना हो सकता हम बराबर पूरे सदर और एक्टिव मेंबर्स हमारे लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला के। सदर मोहतरम की हिदायत है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे, उसके डोर तक राशन किट पहुँचाना ज़रूरी है, और हम इंशाल्लाह उस काम पर लगे हुए हैं। मैं शेखपेट की आवाम से यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि हमारे पास भी 4-5 केस पॉजिटिव हुए हैं, तो हर आदमी अपने घर पर एहतियात करे, बाहर ना निकले बिला वजह, अगर ज़रूरी काम है तो निकले, क्योंकि 4-5 एरिया कंटेनमेंट किया गया है, तो 100 हाउसेस को पैक सील कर रहे हैं, तो एहतियात घर पर करें, क्योंकि कुछ भी आपको सहूलत चाहिए, राशन चाहिए या कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे पूरे सदर एक्टिव है, हमारे जमात के वर्कर्स वॉलंटियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं खुद भी फील्ड पे हूँ, कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमको कॉल करिए। आप लोग बराए मेहरबानी थोड़ा सा घर पे एहतियात करिए, इंशाल्लाह ताला ये वायरस जल्द से जल्द ख़त्म होगा, अल्लाह से दुआ है हमारी इंशाल्लाह।